अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों स्क्रीन पर आपने एक स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे, एक दो दिन से ये बहुत ज़्यादा घूम रहा है यूट्यूब पे भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। इसका क्या मायने है? गाका ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब वर्क वीज़ा पे, रेजिडेंस वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है, क्या सर्कुलर जारी हुआ है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो सर्कुलर जारी किया गया ये बस महज 6 कंट्री के लिए है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसके साथ में UAE, फिलीपींस है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है। इन 6 कंट्री से जो लोग भी सऊदी अरब जा रहे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पर हो, चाहे वर्क वीज़ा पर हो या चाहे रेजिडेंसी वीज़ा पर हो, उन लोगों का जो स्टिकर लगा होता है ग्रीन स्टिकर, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके जगह पे उन लोगों को एक A4 टाइप का पेपर मिलेगा, जैसे कि प्रिंट आउट फोटोकॉपी वाली मिलती है, उस पर आपके वीज़ा का सारा डिटेल रहेगा। इसके अलावा QR कोड भी रहेगा जिसके ज़रिए आप ट्रेवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए। और ये जो सर्कुलर है ये 1 मई 2023 से लागू होने वाला है, और इससे पहले जो लोग भी सऊदी अरब जाएंगे यानी 1 मई से पहले, उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, वो लोग बगैर A4 पेपर के जा सकते हैं। लेकिन जो लोग 1 मई के बाद जाएंगे, इसमें यही बताया गया है कि 1 मई के बाद जो लोग भी सऊदी अरब जाएंगे, उनके साथ में जो ग्रीन स्टिकर का पेपर रहता है पासपोर्ट पे, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके जगह पे A4 का पेपर मिलेगा, उस पर आपका वीज़ा का डिटेल, QR कोड भी रहेगा, जिसके ज़रिए स्कैन करके एयरलाइन वाले आपको अप्रूवल दे देंगे। और ये सभी एयरलाइन को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है GACA के द्वारा, ताकि वो लोग भी इस पर अमल कर सकें। और जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों का वीज़ा स्टंप ऑलरेडी हो चुका है, तो जिनका वीज़ा स्टंप हो गया उनका क्या होगा? क्या उनका जो ग्रीन स्टिकर लगा उनका भी कैंसिल हो गया है? तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके बारे में आपका एजेंट, आपका ऑफिस वाला ही बता सकता है कि आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया है, मैंने बहुत जगह ढूंढा, GACA के ट्विटर हैंडल पे भी इसको ढूंढा मैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन ये सर्कुलर मुझे मिला है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया था। जब मैंने मेरी नज़र इस पे पड़ी, जब मैं इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये किन लोगों के लिए है और ये क्यों जारी किया गया है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन स्टिकर का बहुत सारा मसला चल रहा था सऊदी अरबिया में, यानी इंडिया में ग्रीन स्टिकर किसी का नहीं लग पा रहा था, किसी का वीज़ा माइनस हो जा रहा था, उनका भी ग्रीन स्टिकर नहीं लग रहा था, वीज़ा इशू होने के बाद भी ग्रीन स्टिकर नहीं लग रहा था, ग्रीन स्टिकर का बहुत सारा मसला चल रहा था, जिसको देखते हुए GACA ने, गाका ने यह फैसला लिया है, जिनका भी वीज़ा स्टंपिंग हो गया है, ग्रीन स्टिकर नहीं लगा हुआ है, उनके लिए ये मददगार साबित होगा कि उनका जो सारा डिटेल होगा वो एक पेपर पे ही उनको दे दिया जाएगा, पूरा डिटेल QR कोड के साथ में, ताकि वो लोग सफ़र कर सके आसानी से। तो ये आपको लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिनका वीज़ा स्टंप हो गया, ग्रीन स्टिकर नहीं लगा है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनका बहुत हद तक उनका मसला हल हो चुका है। अब इसमें सोचने देखने वाली बात यह है कि ये बस इंडिया के लिए किया गया है, जैसे उसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्री का नाम नहीं लिया गया, यानी जो भी प्रॉब्लम थी वो ज़्यादातर इंडिया में थी, पाकिस्तान में इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए बस इंडिया का ही किया गया इसके लिए, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आएगी तो इंशाल्लाह, अभी ईद के बाद इसके बारे में कोई भी जानकारी आएगी तो ईद के बाद ही आएगी, तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और ज़रा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, वहाँ पे आपका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से आपको सारा डिटेल मिलता है, ज़रा जल्दी बहुत सारा अपडेट आपको बहुत जल्दी अपडेट हमसे भी यूट्यूब से के जैसे जल्दी भी अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। तो जो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा अपडेट रहना चाहते हैं सऊदी अरब के हवाले से, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।